फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने के बाद 16 फरवरी को ऑर्डर रिजर्व कर लिया, जिस पर फाइनल ऑर्डर आना अभी बाकी है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कहा कि कोई भी स्कूल संचालक फीस के चलते किसी भी बच्चे की पढ़ाई, एग्जाम और रिजल्ट को नहीं रोक सकता, किंतु उसके बावजूद शहर के निवारू रोड स्थित सेंट एंसलम स्कूल नॉर्थ सिटी में न केवल अभिभावकों पर पूरी फीस जमा करवाने का दबाव बनाया गया, बल्कि बच्चों के रिजल्ट भी रोक दिए गए, जिसको लेकर स्कूल के अभिभावक आक्रोशित हो गए और स्कूल परिसर में जुट गए। अभिभावकों को इस दौरान संयुक्त अभिभावक संघ के पदाधिकारियों को शामिल होने का निवेदन किया और 4 घंटे तक मिलकर स्कूल संचालकों से वार्ता की और स्कूल के फादर ने मिलने की डिमांड रखी। 3 घंटे के हंगामे के बाद स्कूल के फादर ने पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में अभिभावकों से वार्ता की। बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि बुधवार को सेंट एंसलम स्कूल नॉर्थ सिटी के अभिभावकों की शिकायत पर संघ प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री संजय गोयल, जयपुर जिला अध्यक्ष युवराज हसीजा, सदस्य राजेंद्र भवसार की टीम स्कूल परिसर पहुंची और अभिभावकों की शिकायत को सुना। इस दौरान अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रशासन पूरी फीस जमा करवाने का दबाव बना रहा है, कुछ अभिभावकों ने बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर रखा है और कुछ अभिभावकों ने बताया कि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट रोक दिए गए हैं। केवल यही नहीं, जिन अभिभावकों ने बच्चों की फीस जमा नहीं करवाई है उनके नाम डिफॉल्टर लिस्ट तक में डाल दिए गए हैं, जबकि सभी अभिभावक सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद अभिभावकों को प्रताड़ित व अपमानित किया जा रहा है। अभिषेक जैन बिट्टू ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिन पहले भी सारे अभिभावक स्कूल परिसर में जुटे थे, तब भी फादर से मिलने का प्रयास किया किंतु मिलने नहीं दिया गया। आज भी पिछले 3 घंटे से धूप में बिना कुछ खाए पिए खड़े हैं किंतु फादर से मिलने नहीं दिया गया। उसके उलट स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को डराने धमकाने के लिए पुलिस प्रशासन को बुलाकर खदेड़ने का भी प्रयास किया। स्कूल संचालक हम अभिभावकों से ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हम इस देश के गद्दार नागरिक हैं, हम आतंकवादी या पाकिस्तानी हैं, जिससे अभिभावक आक्रोशित हो गए हैं और फादर से मिलने की डिमांड पर अड़े हैं। प्रदेश महामंत्री संजय गोयल ने बताया कि इस वार्ता के दौरान स्कूल संचालकों ने पुलिस प्रशासन को इत्तला की और संयुक्त अभिभावक संघ ने भी पुलिस प्रशासन सहित चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर वार्ता कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान स्कूल के अभिभावक अरुण टांक, सुशील गुप्ता, पवन अग्रवाल, कमलजीत कौर सहित 200 से अधिक अभिभावक जुटे और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फादर से वार्ता हुई, जिसके बाद फादर ने संयुक्त अभिभावक संघ की मांग को मानते हुए सभी बच्चों को रिजल्ट जारी किए और स्कूल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश को फॉलो करने की बात को स्वीकार करते हुए 6 किश्तों में फीस जमा करवाने की बात कही और डिफॉल्टर लिस्ट हटाने की बात की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने सभी अभिभावकों को संबोधित करते हुए सभी अभिभावकों को एकजुट होने का आह्वान किया।